नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएन 24। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बस्तर जिले से क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन हेतु सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों का टूर्नामेंट किया गया, जिसमें पूरे बस्तर संभाग से 93 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें सभी विकास खंडों के खिलाड़ियों ने आकर अपना जौहर दिखाया। सिलेक्शन कमेटी ने इन खिलाड़ियों के बीच मैच का आयोजन किया। इसमें से 15 सदस्य टीम का चयन कर इन्हें आगामी रायपुर में होने वाले जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बस्तर जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा। इस संबंध में बस्तर जिला क्रिकेट संघ के सचिव केदार ठाकुर ने बताया कि बस्तर में होनहार खिलाड़ियों की कमी नहीं है, बस उन्हें पर्याप्त मौका है, प्रशिक्षण की दरकार है। समय समय पर हम इस प्रकार के खेल आयोजन करते हैं ताकि यहाँ के खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के आधार पर आगामी बड़े टूर्नामेंट में बस्तर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। डे मैच के लिए, डे मैच माने टेस्ट मैच के आधार पर होता है और उसका T20 मैच के लिए, तो इसमें आज कुल 93 खिलाड़ी हमारे बस्तर जिला से, जिसमें लौंडीगुड़ा विकास खंड से हैं, जगदलपुर विकास खंड से हैं, तोकाबाल विकास, सभी सातों विकास खंड से सम्मिलित हुए हमारे जो पंजीकृत खिलाड़ी हैं, जिसमें कुल आज 93 खिलाड़ी आए हैं और जिसमें हमारे सेलेक्टर द्वारा ट्रायल लिया जा रहा है और 30 खिलाड़ियों का इसमें चयन किया जाएगा और उसके बाद इनका कैंप लगाकर इनका सिलेक्शन मैच कराकर अंतिम 15 खिलाड़ियों की सूची सेलेक्टर द्वारा तैयार की जाएगी, जो छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में बस्तर का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ पे बस्तर जिला का सीनियर वर्ग का सिलेक्शन चल रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ से सेलेक्ट होके जिला स्तरीय खेलने जाएंगे। आप कहाँ कहाँ खेल चुके हो इससे पहले? इससे पहले बहुत सारे स्टेट्स में खेल चुके हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात, और जैसे कि मेरे साथ अब्दुल अनस खान है, वो भी अभी अभी अंडर-19 खेल के आया है, सेमीफाइनल छत्तीसगढ़ पहुँचा था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।